कि इसमें एक है उसका मान यहां से क्या आ जाएगा, नौ आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एंड नौ। एक का मान नौ है तो नौ का मान यहां से क्या आ जाएगा, आठ। फिर यहां से दो का मान दो है तो दो का मान यहां पे क्या आ जाएगा, नौ। फिर तीन का मान वहां पे क्या है, तीन का मान क्या, दो का मान दो थोड़ी की यहां पर, इससे हो गई है कहां से रुकी, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मुझे लग रहा है। अब देखो यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एंड नौ, ठीक है, ये वाला पहले वाला है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, सॉरी। हाँ अब पहले ये मान लिखने पड़ेंगे वापिस, क्या मान था, ये क्या है, चार नौ एक तीन छह, चार नौ एक तीन छह, पांच दो सात आठ, पांच दो सात आठ, ठीक है भाई। अब वही मान एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक है। अब वही सिस्टम करना है, मैंने अभी जैसे बताया था, एक का नौ तो नौ का यहां से क्या जाएगा, आठ, ठीक है। फिर दो का दो है तो दो का यहाँ पे क्या जाएगा, नौ। फिर तीन का छह तो छह का यहाँ पे क्या जाएगा, पांच। फिर वहां से चार का मान क्या है, सात, तो सात का मान यहां से आ जाएगा दो। वहां से फिर पांच का मान है पांच, तो पांच का मान यहां से क्या आ जाएगा, छह। फिर वहां से छह का मान चार, तो छह का मान चार है, तो चार का मान यहां से कितना आ जाएगा, तीन। वहां से सात का मान तीन, सात का मान तीन है, तो सात का मान तीन है, तो यहां से कितना आ जाएगा, वन। एंड वहां से आठ का मान एक है, तो एक का मान यहां से कितना आ जाएगा, चार। और वहां से नौ का मान आठ है, तो आठ का मान यहां से कितना जाएगा, सात। ये हमारे पास में पड़ी है। अब हम यदि उसी रूप में लिखना चाहें तो उस रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या लिखना पड़ेगा कि यहां से हमारे पास में क्या मान प्राप्त हो रहा है, एक का आठ है तो एक लिख दिया मैंने, आठ लिख दिया। फिर आठ का मान क्या है, चार है, तो ये आठ का चार लिख दिया। फिर चार का मान यहाँ पे क्या है, दो है, तो दो का मान, दो का मान क्या है यहाँ पे, नौ है, तो ये नौ लिख दिया। नौ का मान क्या है, सात है, तो ये सात लिख दिया। फिर सात का मान एक है, तो बस बन गया ये, समझे कैसे। इसके नीचे एक है, एक का नीचे क्या है, आठ, तो आठ लिख दिया। आठ के नीचे क्या है, चार है, तो चार लिख दिया। चार के नीचे फिर देखो दो, तो दो लिख दिया। दो के नीचे क्या है, नौ, नौ लिख दिया। फिर नौ के नीचे सात है, और सात के नीचे फिर एक आ रहा है। वापिस रिपीटेशन नहीं करना है, बस मेन बात की है। अभी आगे कितने आए, एक दो तीन पांच छह तो आगे, उसके बाद में क्या है, यहाँ पे तीन है, तो तीन के नीचे क्या है, पांच, तो पांच, और पांच के नीचे क्या है, छह, छह के नीचे क्या है, वापिस तीन, पांच तीन छह आ गई। फिर और कुछ बचा है क्या, देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ थे, नौ तक की संख्या थी, कंप्लीट आ चुका है। बस यही आपके इन दोनों का गुणनफल यहां से प्राप्त हुआ है। इस डेट भी ये बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं किया था हमने, जो ये मान दिया गया है बस उनको कैलकुलेट किया है। जैसे कि हमने जो लास्ट क्लास में किया था जीओ को एफओ जी मान निकाले थे, बस उसी तरह से इसको हल करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया है लास्ट में कि यहाँ पे सिग्मा का मान एक तीन चार पांच छह सात आठ नौ क्रम चय रो ऐसे उच्च चक्रों के गुणनफल में व्यक्त करके बताइए कि रो एक सम क्रम चय है अथवा विषम। रो क्या है, सम क्रम चय है या विषम, ये वाला है। तो हमें सबसे पहले मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। हाँ तो मुझे ये बताओ भाई, हम इस रो को मान को हम क्या लिख सकते हैं, सीधे यदि मैं वो डायरेक्टली मान बात करूं तो एक, फिर सात लिखूंगा, सात के नीचे क्या है, दो है, तो ये दो लिख दिया। फिर दो के नीचे क्या है, आठ, तो ये आठ लिख दिया। आठ के नीचे क्या है, तीन, तो ये तीन लिख दिया। तीन के नीचे क्या है, नौ, तो ये नौ लिख दिया। नौ के नीचे क्या है, एक, तो ये इतना ही बनेगा भाई। अरे मैंने जो भी ये लास्ट वाला मान प्राप्त कर रहे हैं वही लिखना है,
फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पे चार है, चार नहीं है तो चार के नीचे क्या है, चार के नीचे छह, तो ये छह लिख दिया, छह के नीचे क्या है पांच, तो ये पांच लिख दिया, फिर पांच के नीचे क्या है चार वापिस आ गया, कंप्लीट हो गया। कितने, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, कंप्लीट आ गया। अब इनमें क्या करना है कि ये जो मान है यहाँ पे हम एक से शुरुआत करते हैं, तो एक को प्रत्येक के साथ में लेना, एक और सात लिख दिया, दूसरा क्या बन जाएगा एक और दो बन जाएगा, तीसरा एक और आठ बन जाएगा, चौथा एक और तीन और ये बन जाएगा एक और नौ, और साथ में फिर ये चार वाले भी बनेंगे, तो चार वाले क्या बन जाएंगे चार छह एंड चार पांच, हो गया ना, तो गिन लो एक दो तीन चार पांच छह सात बन रहे, संख्या कितनी आ रही है सात, तो दैट मींस क्या है सात क्या है एक एज ए ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या है, तो हम क्या कहेंगे कि रो एक सम क्रमचे नहीं है, रो क्या है विषम क्रमचे, इज दैट क्लियर, तो क्रमचे बस इतना ही, गुणनफल आपको आना चाहिए जिस तरह से हमने ये कर किया है, और मुझे लगा है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है, नॉर्मल सा है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्योंकि इसके टाइप के दो तीन क्वेश्चन आते हैं, छोटे नंबर में भी आते हैं, और इसमें कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है जीएक्स सॉरी जीएफ इक्वल टू एफजी, तो उसमें भी हमें क्या करना है, सेम सिस्टम बताया था मैंने आज अभी जो क्या था ना रो एंड सिग्मा वाला, बस वैसे ही आपको गुणा करना है और क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।